अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस कोडिंग एकेडमी। दोस्तों, हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स तक पहुंच चुके हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह अथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब हम देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेशंस। असाइनमेंट ऑपरेशंस मैंने आपके सामने सारे लिख दिए हैं। सबसे पहले इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू बी, आपने ए को बी की वैल्यू दे दी है, जो भी बी की वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी। इसको कहते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ए की वैल्यू दूसरी चीज़ की वैल्यू में असाइन कर देते हैं। सेकेंड वन है प्लस इक्वल्स टू। फॉर एग्जाम्पल अगर ए प्लस इक्वल्स टू बी हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो ए है वो इक्वल है ए प्लस बी के। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू आपस में ऐड होंगी, वो दोबारा ए को असाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ए माइनस बी है, ये भी बराबर होता है ए माइनस इक्वल्स टू बी के, और ये भी बराबर होता है ए इक्वल्स टू ए माइनस बी के। मैं जिस चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो अगर आप समझें कि पहले वाला वैसे ही आ जाएगा, फिर इक्वल के उस तरफ पहले और दूसरे के दरमियान ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास ए इक्वल है 5 के और बी इक्वल है 10 के, सही है, और आपने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में भी आप कर रहे हैं एल एन को, और उसके अंदर आप जाके लिख देते हैं ए प्लस इक्वल्स टू बी। तो यकीनन मैं इनको हटाऊंगा, ए प्लस इक्वल्स टू बी। अब ये वैल्यू आपकी 15 प्रिंट होनी चाहिए, रन फाइल, और ये वैल्यू 15 आ गई। क्यों आई? क्योंकि सबसे पहले आपका ए प्लस इक्वल प्लस और इक्वल, ए प्लस इक्वल्स टू बी का मतलब है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, और हमारे पास यही वैल्यू जो है वो प्रिंट हुई है, हमने इस पूरे को ही प्रिंट कर दिया है। इसी तरह अगर आप इस पूरी लाइन को कॉपी करें, मैं कंट्रोल सी और यहाँ पे आई कंट्रोल वी, और इसको ए माइनस कर दें, अब जो चीज़ प्रिंट होगी वो आपके पास माइनस फाइव आएगा, सॉरी फाइव आएगा, क्योंकि ए माइनस इक्वल्स टू बी ए माइनस बी, ए फाइव है बी टेन है, फाइव माइनस टेन माइनस फाइव। इधर आप सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं ना। अगर मैं मॉडुलस वाला ट्राई करूँ, और मैं इसको पेस्ट करूँ और मैं इसको मॉडुलस पर लिख दूँ ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए की वैल्यू है फाइव, बी की टेन है, तो इसके आंसर हमारे पास आना चाहिए, इसको रन फाइल करके चेक कर लेते हैं, इसका आंसर भी हमारे पास 5 आया, सही है। मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, 5 1s are 5 2s are 10, आंसर हमारे पास 0 बनता है, लेकिन मॉडुलस का ऑपरेशन यहाँ पे सही परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन बाकी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन अगर आप परफॉर्म करें, कंट्रोल पी, और इसको आप डिवाइड से, ये इसको डिवाइड से कर दें, अब रन फाइल करें तो क्या होगा, 0, सही है, क्योंकि जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 2 1, मतलब ये आंसर जब पॉइंट्स में आएगा तो उसने इसको 0 में ले लिया। अगर आप b इक्वल्स टू a कर दें, आगे पीछे कर दें, अब आप रन फायर करें, अब आपको क्या मिलेगा, 2, सही है, क्योंकि अब हमारे पास बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई है, छोटी वैल्यू नीचे चली गई है। क्योंकि जब हम इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो और आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो, 0.5 आंसर आ रहा हो, तो उसको वो 0 ही कंसिडर करता है, 0.5 उसको रिमूव कर देता है। तो इस तरह सारे के सारे ऑपरेशंस जो है आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। हम आने वाली अपनी वीडियोस के अंदर भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और इसको हम डिटेल में अपने क्वेश्चंस के अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इन सारों को मज़ीद आप ट्राई कीजिएगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। मैं इनको यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि इनको मज़ीद अपने लेक्चर्स के अंदर हम कवर कर लेंगे। आपसे मुलाकात होगी इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।